हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। देखने और सुनने वालों को हमारी तरफ से, पूरी कनाडा की तरफ से जुम्मा मुबारक। और आज जुम्मा है और हम जा रहे हैं स्विमिंग के लिए। पूरी कोशिश करूंगी कि छोटा सा व्लॉग आज आप लोगों के लिए लेके आऊँ, शेयर करूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या स्टाइल होता है स्विमिंग का और हम किस तरह जाते हैं। और ये भी बताऊंगी कि कितने डॉलर की हम टिकट्स खरीदते हैं, मेरे कितने डॉलर की आती है और वाली की कितने डॉलर की आती है। और टिकट्स जो हैं हमने 3 दिन पहले परचेज कर ली थी और वो ऑनलाइन ही हम खरीदते हैं। तो मेरी टिकट आती है 4.75 डॉलर्स की और वली की आती है 1.75 डॉलर्स की। तो ये हम ऑनलाइन लेते हैं और हमारे मेल में जो है ना रसीद आ जाती है कि आपकी बुकिंग हो चुकी है। जब हम वहाँ जाएंगे तो बाकी प्रोसीजर वहाँ जाकर दिखाऊंगी। अभी बज रहे हैं 11:30, तो वली को नैप दिलवा देती हूँ ताकि वो वहाँ पूल में जाके हमें तंग ना करे। दूसरी बात ये कि जल्दी जल्दी साथ में मैं अपना बैग पैक कर लेती हूँ, जो मैंने वहाँ हम कॉस्ट्यूम्स वगैरह, कॉस्ट्यूम तो नहीं ऑब्वियसली, मैं टाइट और इस तरह की सिंपल शर्ट पहनूंगी। वली प्रॉपर कॉस्ट्यूम पहनेगा, डायपर कॉस्ट्यूम वाला, और प्रॉपर कॉस्ट्यूम पहनेगा, स्विमिंग डायपर और कॉस्ट्यूम पहनेगा, और ये होगा। और ये हम रेडी होके जाएंगे घर से, और वहाँ पे जो होगा स्विमिंग करने के बाद वाले जो कपड़े होंगे ना वो मैं रखूंगी। तो ठीक है, चले फिर आपको वली को सुला के नैप दे के फिर मिलते हैं। तो मैंने कहा मैं अपने ऑडियंस के साथ भी शेयर करती हूँ। पीछे वाली वीडियो नहीं देख रहा, वो टॉय है उसका। मैं अपनी ऑडियंस से शेयर करती हूँ कि मैं अपने स्विमिंग बैग में क्या रखती हूँ। तो सबसे पहले टावल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वाली का डायपर बैग थोड़ा सा यहाँ से असल में फट चुका है। अब मेरे पास यहाँ पे कोई मोची वगैरह तो है नहीं, तो ये मैंने इसका हमने अपना स्विमिंग बैग बना लिया। तो ये पता है ईजी भी हो जाएगा, जब मैंने गोद में वली को पकड़ना होता है ना तो मैं बस इसको शोल्डर पे डालूंगी और हम ईजीली निकल जाएंगे, बिकॉज वली की ट्यूब भी मैंने पकड़नी होती है, तो ये मेरे लिए ईजी रहेगा। फिर उसके बाद ये मेरा आउटफिट हो गया जो मैं नहाने के बाद पहनूंगी। तो ये रख लेते हैं बैग के अंदर। उसके बाद वली का मैं स्विमिंग डाइपर एक्स्ट्रा रखती हूँ, एक तो पहना के लेके जाऊंगी, दूसरा एक्स्ट्रा रखती हूँ, बिकॉज पता नहीं होता बच्चा अनफॉर्चुनेटली कोई पूपू कर दे या पूप निकल जाए या कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हो सकता है। तो ये एक एक्स्ट्रा स्विमिंग डाइपर, दो मैं इसके डाइपर्स वैसे रखती हूँ, ये रेगुलर डाइपर्स हैं जो ये वहाँ पे नहाने के बाद पहनेगा, दो रखती हूँ इनकेस बच्चा है कुछ कह नहीं सकते। और ये मैंने काफ़ी दिन पहले बैग रेडी किया हुआ था, तो ये मेरा वो आउटफिट है जो मैंने अभी यहाँ से पहन के जाना है। तो इसको कर देते हैं साइड पे। और वेरी इंपॉर्टेंट, वाइप्स रखेंगे वली की, ठीक है, और वली का फॉर्मूला रखेंगे। पानी की बॉटल नहीं रखूंगी, फीडर में ही पानी डाल के तो वो रखूंगी, अभी फीडर इसका नीचे पड़ा हुआ है वो रखूंगी इसमें। और साथ आज मौसम ठंडा है तो वली के लिए आउटफिट रख रही हूँ मोटा, ये पहनेगा मोटा ट्राउजर साथ नहाने के बाद, और ये पहन लेगा अब हुडी, क्योंकि मौसम बाहर हो रहा है ठंडा अनफॉर्चुनेटली। अब अल्लाह करे यहाँ पे विंटर्स आना शुरू हो जाए तो ये सीन है, इस तरह करेगा वली। एंड आई एम सो सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड में आवाज़ तंग करी है तो। और मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ दो पोलोज के इनकेस आपको खांसी वांसी आ जाए, साथ में रखती हूँ $20। कैफेटेरिया भी होता है वहाँ पर, यूजली कुछ ऐसा जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी त्यातन आपके पास बैग में होने चाहिए। मैंने कहा मैं अपनी ऑडियंस के साथ भी शेयर करूँ, ये है बैग के साथ लगने वाला सिलिकॉन का, इसके अंदर मैं वली का पेसिफायर डाल के इसमें हैंग करूँगी। और अभी मैं नीचे आई थी वली का फीडर लेके उसमें पानी डाल के तो उसके बैग में रख दूँ। मैं अपना निकाल लेती हूँ स्विमिंग स्लीपर्स, ये रहे जी मेरे स्विमिंग स्लीपर्स, मैंने स्पेशल से स्विमिंग के लिए लिए हुए हैं। अब करें स्लीपर्स की, तो ये कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है, हार्ड है ये, मुझे ऐसे ही बस ओ कितने गंदे हो गए। ये मैंने वॉलमार्ट से लिए थे $12 के, तो मैंने कहा चलो ये सिर्फ हम स्विमिंग के लिए पहनेंगे। तो स्विमिंग अब जब आऊँगी ना ऊपर से रेडी शेडी होकर, तो ये ऊपर क्योंकि डर्टी बहुत है तो ये ऊपर कारपेट पे नहीं लेके जाती, तो ये यहीं से पहन के बस बाहर निकल जाएंगे। लाउंज की कोई ये हालत हो रही है, यहाँ पे ये मेस डला हुआ है, ये मेस है, और ये भी ये करके दरवाज़ा याद से बंद करके जाना है, क्लीन कर लेते हैं ताकि आके ज़्यादा मेस तो डलना ही हो, इसलिए तो फिर ज़्यादा फील ना हो, घर क्लीन करके निकलते हैं। सफाई करी थी तो देखें क्या नज़र आया, मेरी कॉफ़ी जो अनफॉर्चुनेटली मैंने 2 घंटे पहले बनाई थी और मैं भूल गई कि मैंने बनाई थी, तो खैर अब इसको फ्रिज में रख देते हैं और आके गर्म करके पी लेंगे। जल्दी हो सकती थी उतनी कर दी। ये मैंने प्ले एरिया वली का ऐसे ही सेट किया है, ये चीज़ें मैं ऐसे ही पड़ी रहने देती हूँ, बस ये इसके इसमें बैग में डाल देती हूँ, बाकी चीज़ें ऐसी पड़ी रहती हैं। टेबल वगैरह मैंने उठा दिया है, और हाँ वो दरवाज़ा भी मैंने बंद कर दिया ताकि इनके पीछे से बारिश हो जाए तो सेफ रहें हम। नाइट की स्विमिंग है तो मैंने 120 मतलब एक टाइम का फीड इसका ले लिया है, बिकॉज एक घंटे की बात है, एक घंटे में एक ही फीडर पी सकता है ये, तो बस ये फीडर पानी वाला अभी इसके बैग में रखते हैं इनकेस, वैसे दिखाएंगे तो नहीं, बट ये आईपैड भी मैं इसका बैग में रख लेती हूँ।
आपको बताना भी भूल गई थी और दूसरी बात ये रखना भी भूल गई थी, ये है कपड़े का बैग और ये रखेंगे ताकि इसमें गीले कपड़े लेकर आ सकें, तो ये भी अपने बैग में रख लेते हैं। स्विमिंग बैग एकदम हो चुका है रेडी, इसको रखते हैं यहाँ स्टेयर्स के पास, नहीं यहाँ रख लेते हैं ताकि मुझे खुद कैरी करने में आसानी हो जाए। पहना रही हूँ उसका फेवरेट कॉस्ट्यूम विच इज बाय कोकोमेलन एंड ये रहा उसका स्विमिंग डायपर। अभी वो नैप ले रहा है, जैसे ही वो उठता है फिर मैं उसको पहनाती हूँ। ये फुल बॉडी सूट वाला है, इसकी निकट शर्ट वाला बॉडी सूट इसलिए वो स्विम सूट इसलिए लेती है बिकॉज उसकी शर्ट ऊपर हो जाती है फिर उसको रैश हो जाते हैं बॉडी पे पानी की वजह से, क्लोरीन की वजह से। तो ये इसका हाफ बाजू एंड हाफ लेग्स पे ये रोम्पर टाइप आ जाएगा एंड यस वो टेथ पे उसको रेडी करते हैं। यहाँ मैं हो चुकी हूँ रेडी, सिंपल वली मेरे पीछे पैरों में बैठा हुआ है तो बस हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं। 1 बज गया है, 10 मिनट्स में हमने निकलना है और बस मैं तब तक नीचे जा रही हूँ। वली ने नैप नहीं लिया तो मैंने उसको भी कॉस्ट्यूम बना दिया, खुद भी पहन लिया। ये मैंने टाइट्स पहन ली, साथ ही मैंने अपना स्विमिंग की शर्ट पहन ली, ये मैंने एक फिक्स ही कर लिया शर्ट। हर दफा स्विमिंग में मैं यही पहन के जाती हूँ बिकॉज ये ना क्लोरीन वाला पानी है तो इसमें ना जो भी सिंपल आप शर्ट पहनते हो ना वो लिटरली बहुत जल्दी फेड हो जाती है बिकॉज बहुत ज्यादा क्लोरीन की अमाउंट होती है। तो इसलिए ये वाली अब शर्ट फिक्स कर ली और ये वाली टाइट्स भी फिक्स कर ली है, बस नीचे जाके स्लीपर्स पहने हैं, गाड़ी में सामान रखना है और निकलना है। कुछ ऐसा है जी हम दोनों का सीन और ये पकड़ते हैं अपनी ट्यूब और इसको डालते हैं कार सीट में और हमारे फ्रेंड्स जो हैं बाहर हमारा वेट कर रहे हैं और स्लीपर्स मैंने पहन लिए और बैग पैक ऐसे लगा लिया पीछे, देखा इसलिए ईजी हो जाता है। तो चले एक हाथ में ट्यूब पकड़ते हैं और निकलते हैं। हम अंदर आ चुके हैं तो बुरकाइनाथ भाभी जो है वही सबकी रजिस्ट्रेशन करा रही हैं तो यहाँ से हम एंटर होंगे जहाँ लिखा हुआ है पूल और लेट्स गो। हमें वो हमारे जो हैं स्टिकर्स जो लगाने होते हैं टैग्स वगैरह वो मिल चुके हैं और ये सारे यहाँ पे चेंजिंग रूम्स हैं। ये मैं वापसी पे सारे दिखाऊंगी आप लोगों को ना कि इधर लॉकर्स भी हैं, चेंजिंग रूम्स भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। और इस तरह जाते जाते ये रहा हमारा पूल एरिया, ये देखिए ये सारा ऐसे बड़ा सा बना हुआ है। इस साइड पे जो है वो ट्रेनिंग कराते हैं और उस साइड पे जो है फन पूल है। ये एक्स्ट्रा स्लीपर्स वगैरह भी उन्होंने रखे हुए हैं। ये टाइम साथ साथ बड़ा बड़ा चल रहा होता है कि आपको खुद ही पता चल, इतना डिसिप्लिन होता है ना कि सब खुद ही अपना टाइम दे के बाहर निकल जाते हैं, उनको विसल नहीं करना पड़ता, उनको घसीटना नहीं पड़ता बाहर, वो चुप करके बस अपना टाइम देखते हैं सारे एंड सब बाहर आ जाते हैं। ये सब वेटिंग है यहाँ पे, जो लाइक अपने बच्चों को लाए हुए हैं या जो ट्रेनिंग हो रही है क्लासेस वो यहाँ पे बैठ सकते हैं। वो सारे पीछे सारे ट्यूब्स हैं, लाइफ जैकेट्स वगैरह उसमें हर साइज़ पड़ा हुआ है, मोटे से मोटे बंदे का भी एंड न्यूबॉर्न आई गेस 3 मंथ्स की एज से स्टार्ट हो जाता है वहाँ पर ना। तो ये मैंने कहा चले वली को टैग भी बना दूँ जल्दी जल्दी, वली को जल्दी से देते हैं फीडर। और ये है जी कुछ हमारे पूल की इस तरह लुक, इस वक्त धबस काफ़ी हुई हुई है लेकिन अब वन सब अंदर जाएंगे ना। पूल साइड से हम बाहर आ गए हैं, मैंने चेंज वगैरह कर लिया, बाकी सब फ्रेंड्स वगैरह चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने कहा आपको दिखाती हूँ, ये एक साइड पर लॉकर्स है यहाँ पे बंदे, मैं आपको यहाँ जाके क्लियर दिखाती हूँ। ये देखें ये सारे लॉकर्स हैं और ये सारे चेंजिंग रूम्स हैं और अपोजिट साइड पर सारे वॉशरूम्स हैं। और ये देखें ये बाहर बार पार्किंग है ऐसे और यहाँ बाहर हम आए, इतना प्यारा ये देखिए व्यू और इतनी ठंडी हवा एकदम से, पता नहीं आने टाइम में सर्दी आ गई है क्या, तो या तो ये झटका है सर्दी आने से पहले का। और ये देखें ये है इस तरह शेवर्ड कम्युनिटी सेंटर, इसके अंदर बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, ऐसा ऐसा करके दिखाऊंगी। अभी हम सिर्फ स्विमिंग एक्सप्लोर करके आए। घर आते ही मैंने बना लिया पराठा एंड अपने लिए साथ साथ ऑमलेट बना रही हूँ और आके शावर लिया, बस अब वली सो रहा है वो उठेगा फिर उसको शावर लेंगे। जी हम स्विमिंग से वापस आ गए थे, अब हम जा रहे हैं वॉक करने। और मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम हो गया है फुल फुल ठंडा, वली को भी मैंने मोटा पहना दिया और मैंने खुद भी स्वेटशर्ट पहन ली मोटी। ठंडी बर्फ़ हवा चल रही है फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह। और आज है 17th of August और मौसम बहुत ठंडा हो गया, आज ही स्विमिंग पे गए हैं ना आज ही वॉक पे गए हैं, अपने सारा आज ही पतला हो जाना है। तो एनीवेज वॉक करने चलते हैं और पार्क में दिखाते हैं कि आज स्प्लैश पार्क तो फॉर श्योर बंद है बिकॉज सर्दी पता नहीं आ गई है या ये सर्दी से आने से पहले का ट्रेलर है, लाइक कुछ तो अगर हाँ कुछ तो है ये, कुछ तो चल रहा है। ये देखिए जी मैंने भी पहन लिया मोटा मोटा और प्लीज़ व्लॉग्स को लाइक करें और अगर हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो फिर हम अपनी क्वालिटी जो है फ़ोन की वो भी अपग्रेड करेंगे इंशाल्लाह। बस प्लीज़ आप हमें हेल्प करें कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए और जल्दी जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करवाएँ। क्या खुशबू है, खुशबू मजे की आ रही है। गए हम पार्क थे फ्रेंड्स, यहाँ ले आए तो अब यहाँ कॉफी पी के घर चलते हैं।